और बंगाल के हावड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गाड़ी से भरी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और कार पर जामताड़ा के विधायक के नाम का नेम प्लेट भी है और इस गाड़ी में झारखंड के 3 विधायक मौजूद थे, जिसमें राजेश कश्यप, नमन बिक्सल, इरफान अंसारी। तो ये सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इसी हिंदुस्तान पर देख सकते हैं। एक कार बरामद हुई और उसमें भी कैश भरा हुआ है। ये हावड़ा की तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और उस पर भी आप देखिए जामताड़ा के जो विधायक है इरफान सोलंकी, उनका नंबर प्लेट लगा हुआ था, उनका नेम प्लेट लगा हुआ है और उस गाड़ी में 3 और विधायक बैठे हुए थे। अब देखिए पूरी तलाशी ली जा रही है और इसमें जो 3 विधायक थे मौजूद, राजेश कश्यप, नमन बिक्सल और इरफान अंसारी। ये देखिए इरफान अंसारी, आप नेम प्लेट भी देख सकते हैं, ये विधायक हैं और उनकी गाड़ी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। तो देखिए अभी तो पार्थ का कैश लोग चल ही रहा था, तो अब देखिए एक और ये तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी वहाँ पे बरामद की गई है और उस पर MLA जामताड़ा लिखा हुआ है और MLA जामताड़ा इरफान ही है। और एक और बड़ी खबर, गाड़ी में सवार 3 विधायक कांग्रेस के हैं। सबसे बड़ी खबर देखिए, इरफान अंसारी जामताड़ा के कांग्रेस विधायक हैं, अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए अक्सर ये चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा बिक्सल, राजेश कश्यप खिजरी से कांग्रेस के विधायक है, 3 विधायक कांग्रेस के हैं और उस गाड़ी में है। आप देखिए भारी मात्रा में कैश बरामद है और हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ। पूजा, क्या अपडेट? 3 विधायक और गाड़ियों में, इस गाड़ी में बहुत भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आगे? देखिए आपको बता दें, आज शाम का वक्त था जब पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का रानीहाटी इलाके में पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो में बड़ी संख्या में पैसा हो सकता है और उसके बाद ही जो है इस गाड़ी को वहां पर इंटरसेप्ट किया जाता है और इस गाड़ी में बकायदा बोर्ड लगा हुआ था MLA जामतारा और पुलिस ने आगे तफ्तीश में देखा कि इसी गाड़ी में भारी मात्रा में जो है यहाँ पर कैश है और डिक्की में जो है कंसील करके रखा हुआ था और उसके बाद पूछताछ के दौरान पता लगता है कि इसी गाड़ी में 3 कांग्रेस विधायक जो है वो सवार थे, जिनमें MLA खिचड़ी है, MLA कोले बीरा है और साथ ही जामतारा के भी विधायक है। आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं, फिलहाल पुलिस ने इन 3 कांग्रेस विधायकों को जो है डिटेन किया है क्योंकि अभी तक जो है वो कोई डॉक्यूमेंट या फिर वैलिड प्रूफ नहीं दिखा पाए हैं कि आखिरकार इतना पैसा लेकर वो क्यों जो है इस गाड़ी में सवार हुए थे। तो फिलहाल जो है पुलिस अपनी पूछताछ। अच्छा पूजा, एक चीज भी हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो विधायक लोग पकड़े गए हैं, ये लोग हावड़ा जा रहे थे या हावड़ा से वापस झारखंड की तरफ जा रहे थे? देखिए पुलिस अभी तक जो है औपचारिक तौर पे ये नहीं बताया है कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहे थे या कहाँ जा रहे थे। हाँ। लेकिन रानीहाटी इलाके में जो है ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया है, इतनी जानकारी दी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि नोट गिनने की मशीन यहाँ पर लाए जा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नोट पाए गए हैं कि मैन्युअली उसे काउंट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी तक मशीन आए नहीं है। एक बार मशीन वहां पर पहुंचते हैं मौके पर तो फिर काउंटिंग शुरू की जाएगी और पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कितना पैसा जो है इस गाड़ी से रिकवर हुआ है। और इस बीच आपको बता दें जो 3 कांग्रेस विधायक है उन्हें फिलहाल डिटेन कर दिया गया है। और देखिए अभी पार्थ का कैश लोग का मामला थमा भी नहीं था कि आप देखिए ये एक अलग मामला आ गया, क्या इसका उससे कुछ कनेक्शन भी है, क्या कुछ प्राथमिक जानकारी, क्या शुरुआती जानकारी कुछ मलक पा रही है? देखिए आपको बता दें अभी तक जो है ईडी के केस में और इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं पाया गया है क्योंकि जो पार्थ चटर्जी का केस है या शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करें तो उस मामले की जांच जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है जो बिल्कुल अलग एजेंसी है। अभी जो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया है वो पश्चिम बंगाल पुलिस के हावड़ा रूरल पुलिस की ओर से जो है इंटरसेप्ट किया गया है जो बिल्कुल अलग एजेंसी है। तो कुल मिलाकर जो है ये 2 अलग केस है और 2 एजेंसी जो है इसे फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चलिए पूजा हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गाड़ी बरामद हुई है और इसमें कांग्रेस के 3 विधायक थे और नेम प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं, जामताड़ा के विधायक इरफान सोलंकी। और सुनते हैं क्या कुछ करे पुलिस। যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে,
ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্ক আউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে তিনটে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে।